नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो है क्या पानी पूरी खाने से, यानी घर की पानी पूरी खाने से हमारा शुगर कितनी बढ़ती है। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आए थे कि सर आप पानी पूरी पे भी वीडियो बनाइएगा। काफ़ी टाइम से लास्ट 6 महीने से मेरे पास कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियो पर, तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये मैंने घर का ही पानी बनाया हुआ है जिसमें धनिया पुदीना, ये जो नॉर्मल जो होता है पानी वो किया है, और ये है आलू और देसी चना का मसाला। मैंने कोई रगड़ा नहीं लिया है, देसी चना और आलू इसमें ज़्यादा है, देसी चना थोड़ा कम है। और मैं लेने वाला हूँ 20 पकौड़ी। ये मैंने घर पे नहीं बनाई है, ये मैंने बाहर से मंगाई है, और ये मोस्टली मैदे से ही बनती है और ख़राब ऑयल से बनती है। जैसे आपको ही पता है इसमें अच्छा ऑयल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे तो चलिए मैंने कहा मैं एक बार वीडियो बना देता हूँ कि काफ़ी लोगों को, लेडीज़ को है, बच्चों को है, इसमें क्या है कि लोगों को पसंद आता है। पानी पूरी देखते हैं तो उसकी स्मेल से ही उनको मन मचलता है कि हम लोग पानी पूरी खाएँ। तो आज ये मैं रिव्यू करने वाला हूँ और बहुत छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लूँगा। ये शुगर जो रहेगी मेरी वो रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि आप टाइम दे सकते हैं, आई थिंक 2:15 के आसपास हो गया है। और मैं काफ़ी अपने फूड में, जो खाने में, डाइट में काफ़ी कुछ कम किया है। काफ़ी लोगों का मैसेज था कि आप अपनी शुगर को थोड़ा कम करिए, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख रहा हूँ मैं अपनी शुगर के ऊपर। ब्लड आ चुका है, ये है मेरी रैंडम ब्लड शुगर। मैंने 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था, 131 आई है मेरी रैंडम ब्लड शुगर। मैंने 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था, और ब्रेकफास्ट क्या था वो मैं, जो भी मेरे से क्वेश्चन करता है उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेता हूँ, लंच में क्या लेता हूँ, और डिनर में भी क्या लेता हूँ। तो ये 20 पकौड़ी है आपके सामने, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने तो काउंट कर लिया है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि टोटल 20 पकौड़ी है। ये देख लीजिए 20 पकौड़ी है जो बनती है मैदे से, और आपको भी पता है कि मैदे में ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है, आलू में भी ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, और जो चना होता है उसमें ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को बोला था कि मैं एक टाइम पे मैं चने की रोटी खाता हूँ और एक टाइम पे मैं सोयाबीन की रोटी खाता हूँ, लेकिन जब से चना चालू किया है 2-3 दिन तो ठीक लगा, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने चने की जो रोटी होती है, चने आटे की रोटी, वो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि मेरे बॉडी को मुझे सूट नहीं हुआ। तो मैं दोनों टाइम पे सोयाबीन की रोटी खाता हूँ और सब्ज़ी खाता हूँ। तो ये है 20 पकौड़ी, आलू और चने का मसाला, और ये अपना पानी जो टोटली घर का बना हुआ है। इसके अलावा, पकौड़ी के अलावा हर चीज़ अपनी घर की बनी हुई है। तो मैं इसको खा लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ 2 घंटे बाद।
तो ये था मेरा आज का लंच, जो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने 20 पकौड़ी ली थी जो थी मैदे की, और पानी था जो घर पे बनाया हुआ था, और आलू चने का मसाला जिसमें आलू थोड़ा ज़्यादा था, चने कम थे, क्योंकि मुझे गैस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चने खाने से, तो मैंने चना कम लिया था, आलू थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। तो अभी जो मेरा टाइम हुआ है 2:15, 2:15 हुआ है, और जो मेरी शुगर आई थी वो थी 131, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। अब मैं आपको मिलूँगा 2 घंटे बाद। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मुझे अभी 2 घंटा हो चुका है 20 पकौड़ी खाए हुए, और जो मसाला था वो था आलू और चने का, और था पानी। मैंने कोई मीठी यानी इमली चटनी या कोई भी चटनी, मीठी चटनी मैंने नहीं ली है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और आप भी प्लीज़ ना खाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़रा शुगर होता है, तो वो ना खाएं। और प्लीज़ आप ये भी ना पूछिएगा कि आपने आलू कितना ग्राम लिया या देसी चना कितना लिया, क्योंकि ये घर पे बना हुआ था, तो मैंने उसमें से मैंने अपने लिए सेपरेट से मैंने निकाल के आपको मैंने दिखा दिया था। तो मैंने कोई भी मेज़र नहीं किया था कि मैंने कितना देसी चना लिया था। हाँ, 70% आलू था, 30% देसी चना था, क्योंकि चने से मुझे अभी गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं कम खा रहा हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको भी अगर चने से अगर आपको गैस होती है तो प्लीज़ उसको ना खाएं, काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो चलिए अब हमारी शुगर चेक कर लेते हैं। खाने से पहले थी मेरी शुगर वो थी 131, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगाई है, सिर्फ पकौड़ी के अलावा। ब्लड आ चुका, तो ये आ गई है मेरी 2 घंटे बाद की शुगर, के पानी पूरी खाने से हमारी शुगर कितनी बढ़ती है, 203 आई है, यानी हमारा 70 पॉइंट आप मान सकते हैं कि अगर हम लोग 20 पानी पूरी खाते हैं और उसमें भी मीठी चटनी ना हो, तो हमारा 70 पॉइंट बढ़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पूड़ियाँ होती है जो बाहर से हम लोग लेके आते हैं, उसमें क्या क्या बहुत गंदा तेल होता है, गंदा ऑयल होता है, जिससे वो उसको पकाते हैं यानी सेकते हैं जो भी है, तो और उसमें मैदे से बनी होती है, मैदा या सूजी से बनी होती है। तो हमें पानी पूरी, देखिए अगर मैंने 10 खाई होती, मसाला मैंने पूरा लिया है, अगर 20 पानी पूरी में जितना मसाला होना चाहिए जो स्ट्रीट फूड वाले हमको देते हैं, उतना ही मैंने मसाला लिया था, लेकिन फिर भी मेरी 70 पॉइंट मेरा शुगर बढ़ा है। तो अगर आपको भी खाना है तो एक प्लेट में आई थिंक 4 या 5 या 6 आती है, तो वो आप इतना खा सकते हैं, ज़्यादा ना खाएं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।